नया रोड जैसा दिख रहा है, तो ये लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे। जिन लोगों ने ये किला बनाया है, इन्होंने यहाँ पे पत्थर का एक डिज़ाइन तैयार किया हुआ है इस किले का, और वो डिज़ाइन आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस किले के बारे में। तो इन्होंने उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई, तो वो थी शिवाजी महाराज के बारे में। तो स्टोरी ये थी कि जब आगरा से छूटकर शिवाजी महाराज निकले थे, तो उन्होंने अपना भेष बदल कर वो ट्रैवल कर रहे थे। तो कहा जाता है कि वो इस किले पर भी आए थे। सब गाइस, मैं हूं विशाल और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। होप यू आर ऑल हैविंग लवली एंड ब्यूटीफुल डे। तो आज हम आए थे ताई के घर। तो यहाँ पे पास में ही एक फोर्ट है जिसका नाम है मैलगढ़, और ये किला भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। मतलब हर किला इम्पोर्टेंट होता है एक्चुअली, हर किले के पीछे एक हिस्ट्री होती है। तो अभी हम वहाँ आए हैं, तो आज का ब्लॉग होगा मैलगढ़ पे। तो चलिए आपको मैलगढ़ भी दिखाते हैं और उसकी हिस्ट्री भी बताते हैं, और यहाँ पे कई सारे दिलचस्प स्टोरीज है इसके बारे में। अब सच झूठ पता नहीं, लेकिन जब हमने किसी एक लोकल से बात की तो वहाँ पे पता चला। तो ये एक आदिवासी गांव है। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ तक आप गाड़ी लेके आ सकते हैं आराम से। और यार सामने का व्यू देखो, क्या ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और चलो तो अभी ये जो हमारे पीछे है, ये है मैलगढ़। तो आपको वैसे इसका ज़्यादातर हिस्सा गिर गया है, और ये बहुत ही छोटा फोर्ट है एक। यहाँ से अभी हम ट्रेक करके जाएंगे वहाँ, वहाँ से फिर से ट्रेक करके जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये जो नया रोड जैसा दिख रहा है, तो ये लैंडस्लाइड हुई है। तो ये सारा स्ट्रगल रहता है एक वीडियो बनाने वाले का। लोग चार कदम चलते हैं, और जो कंटेंट बनाता है उसको चलना पड़ता है 20-25 कदम, क्योंकि उसको कैमरा लगाना पड़ता है, उसको कैमरा निकालना पड़ता है। मतलब यू नो सो मच एफर्ट्स। तो यार इसके लिए थोड़ा सा लाइक कर दिया करो। और कितने लोगों को पता था कि एक मैलगढ़ नाम का भी एक फोर्ट है, तो वो मुझे कमेंट कर दो। पिछली बार जब हम आए थे तो हम इस साइड से एक्चुअली यहाँ से गए थे, लेकिन जैसे कि मैंने नीचे से दिखाया आपको कि ये जो लैंडस्लाइड स्टार्ट हुई, वो लैंडस्लाइड यहाँ से स्टार्ट हुई और पूरा नीचे तक गई है, बिल्कुल लास्ट तक, और ये पूरा हिस्सा बह गया, खिसक गया है पूरा। और अभी वहाँ से आगे का रोड है,
हमें घूम के जाना पड़ेगा। फिर मेरे को क्यों नहीं चलता भाई? तो यहां से शुरू होता लैंडस्लाइड, देखो आखिर तक गया वहां तक, बिल्कुल नीचे तक, टोटल पूरा। आराम से आ रहे। ओके ध्यान रहो ना। हो फाइनली पायऱ्यांपर्यंत पोहोचलो। इथे थोडेसे पायऱ्या आहेत, तो अभी हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं। और अभी यहाँ पे किले के कुछ अवशेष आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि स्टेप्स दिख रहे होंगे आपको। और ये पहुंच गए हम किले पे। हम पहुंच गए यहाँ पे। और यार आप सामने का व्यू देखो, ये जो आपको तटबंदी दिख रही है, बस ये अभी इतनी ही बची है। आपको पहले दिखा होगा, हमने नीचे से भी इसका व्यू लिया है, तो बस यही बचा है। और एक सबसे ज़रूरी बात और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ की मैं आपको दिखाता हूँ। इस किले पर, यहाँ पे जिन लोगों ने ये किला बनाया है, इन्होंने यहाँ पे पत्थर का एक डिज़ाइन तैयार किया हुआ है इस किले का, और वो डिज़ाइन आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस किले का डिज़ाइन, ये देखो यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। यहाँ से आप पूरा ऊपर चढ़ने का एरिया, वहाँ से, और वहाँ से यहाँ से शायद ये गिर गया है, मतलब ये कुछ टूट टूट फूट गया है ये सब। मतलब यार देखो, ऐसे भी डिज़ाइन करने के तरीके थे तब। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, तो ये जो एरिया है जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो बचा हुआ पीछे का एरिया है वो है शायद, क्योंकि ये और ये सेम ही लग रहा है। मतलब यार इमेजिन करो कि उस टाइम में ऐसी चीजें बनाना कितना मुश्किल रहता होगा। बढ़िया। अभी हम जब आ रहे थे ऊपर, तो हमने जब किसी यहाँ के लोकल से पूछा इस किले के बारे में, तो इन्होंने उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। तो वो थी शिवाजी महाराज के बारे में। तो स्टोरी ये थी कि जब आगरा से छूटकर शिवाजी महाराज निकले थे, तो उन्होंने अपना भेष बदल कर वो ट्रैवल कर रहे थे। तो कहा जाता है कि वो इस किले पर भी आए थे। तो यहाँ का जो किलेदार है, उसने भाप लिया था कि ये शिवाजी महाराज है। और तब शिवाजी महाराज जब भागे थे, तो उनके ऊपर उनको पकड़ने वाले के लिए एक इनाम रखा गया था। यहाँ पे मुसाफिरों को रहने के लिए एक जगह थी, तो वहाँ पे शिवाजी महाराज इनके यहाँ के जो किलेदार थे, उनके परमिशन से यहाँ पे रुके थे। तो वो जब अपने घर में बात कर रहे थे कि अब मैं अमीर होने वाला हूँ, मुझे इतना इतना इनाम मिलने वाला है, तो ये बात उनके उनकी जो उनके बेटे की जो पत्नी थी, उसने सुन लिया था। और तब उसने जाके महाराज को ये बात बताई थी। और तब रात को ही महाराज यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि
दूसरे दिन यहाँ का जो किलेदार था वो उनको कैद कर करने वाला था। किलेदार की बेटे की पत्नी की वजह से महाराज बच गए थे, ऐसा यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया। लेकिन यार कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमको पता नहीं, कितनी सारी चीज़ें हिस्ट्री हमारी होल्ड करती है, दबाए रहती है। और अगर इस किले को महाराज के पैरों ने छुआ होगा, मतलब ऐसी जगह पे जाके बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी कुछ बातें सोच नहीं सकते, बस कभी कभी ऐसा ऐसे सवाल आते हैं कि यार यहाँ पे महाराज आए होंगे, कहाँ बैठे होंगे, क्या रहा होगा, वहाँ का जो सिचुएशन है वो कैसी रहे होगी। तो ये बियॉन्ड द थिंकिंग है हमारे। तो ठीक है, लेकिन तो उसके बाद महाराज जलगांव के एक किसी व्यक्ति के घर रुके थे और बाद में वहाँ से निकल गए थे। ऐसे ऐसी स्टोरी है, सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन कई सारी चीज़ें हमको पता नहीं होती। तो ठीक है, वैसे इस किले को मराठाओं के टाइम, जब ये हमारे मराठाओं के कंट्रोल में आया, तो इसे एज एक छोटा सा मिलिट्री बेस के रूप में यूज़ किया गया। बाकी इस किले को इससे पहले निज़ामशाही और इलिशपुरा के जो नवाब थे, यानी कि आज का जो अचलपुर है, वहाँ के जो नवाब है, उनके टाइम में बनाया गया था। और ये बाद में निज़ाम मराठा और अंग्रेज़ों के कंट्रोल में रहा। तो दिस इज़ द स्टोरी। बस इस मेहनत के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना, और वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी आपको बाकी का फोर्ट दिखाते हैं। वैसे इतना ही किला बचा है, लेकिन बाकी की चीज़ें आपको वीडियो में दिखाते हैं, अगर ढूंढते हैं थोड़ा सा, अगर है तो दिखा देते हैं आपको। चलिए, लेकिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, चलो। अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये किसी मंदिर का या किसी जगह का पिलर है, लेकिन यहाँ पे अभी इतने साल से ये बनाया गया है कि यहाँ पे पानी आते 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 ये पूरा मिट्टी से भर गया है, और यहाँ पे अभी इतनी केयर नहीं की है। तो ठीक है यार, एक छोटा सा फोर्ट है, लेकिन अगर इसे रखते, इस पे ध्यान रखते, तो यार कई सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन ठीक है, आगे भी एक ऐसी जगह है, और ये हो सकता है कि इंटरकनेक्टेड हो नीचे से अंडरग्राउंड। ये देखो, ये देखो, एक वैसी ही जगह है। यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, अभी हम नीचे नहीं जा सकते क्योंकि पानी भरा है, इसलिए यहाँ पे काफी मधुमक्खियाँ है। देखो यहाँ पे भी एक रूम जैसा बनाया हुआ है, और एक जगह, ये रास्ता लग रहा है नीचे उतरने का, और ये पेड़ों की वजह से सब ढक गया है, लेकिन ये भी एक रूम जैसा है। अभी ये कुछ हिस्सा दिख रहा है, एक तो एक नाली जैसा है, नहीं तो ये टैंक है, या फिर ऊपर आने का रास्ता है। अभी क्या बताया यार, मतलब पुराना क्या है क्या नहीं। उसी पार्ट को लग के ये पार्ट है जो यहाँ से लगता है कि यहाँ पे नीचे तक कोई दरवाज़ा होगा यहाँ पे, जो अभी वक्त के साथ मतलब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि कोई करेगा नहीं, क्योंकि बस यही बात है अभी। चलो, अभी फोर्ट तो घूम के ख़त्म हो गया है, अभी उतरते हैं नीचे। ये जो किला है, ये जब बनाया जा रहा था, तब इसके बनाने का जो काम था, वो एक मुस्लिम घोड़े का जो व्यापारी था, तो उसको दिया गया था। तो हो सकता है ये जो सारी जगह है, तो ये घोड़े के तबेले भी हो सकते हैं। ऐसे ही एक जगह
सिंहगढ़ पे भी है फिर से एक, यहाँ पे भी है एक और, मतलब अभी तक 5 ऐसी जगह हो चुकी है। गए थे वहाँ पे और जैसे कि मैंने आपको बताया बस उतना ही हिस्सा बचा है इस फोर्ट का, तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक, और आपको जो भी अच्छा लगे बुरा लगे तो कमेंट कर देना। किस किस को इस किले के बारे में पता था या पहली बार आपको ये पता चला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी चलते हैं सीधा नीचे और मिलते हैं आपको गाड़ी में। चलो इस छोटे से गांव से गए थे हम, तो फाइनली अभी निकल चुके हैं और तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे बुरा लगे तो कमेंट कर देना, और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहे। बुल्ढारा डिस्ट्रिक्ट का ये अकेला फोर्ट है, मतलब जो गिरिदुर्ग बोलते हैं प्रकार का, तो ऐसा एक अकेला फोर्ट है बुल्ढारा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो अभी निकलते हैं घर, तो आप तब तक सीनरी एंजॉय करो। सो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए Bye-bye.